है आदि में किस प्रकार से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो वर्क फॉर होम की थियरी यहाँ पर लागू हो गई है दोस्तों। घर पे रहकर हम किस प्रकार से बच्चों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी तो पहले से है, काफी सालों से ये चल रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, किंतु उसको इतनी जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लिया गया, उसको आज हम मजबूरी के तौर पर ले रहे हैं, फिर भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी शैक्षणिक क्षेत्र में भी आ रही है। किंतु भारत जैसा देश इसके लिए कितना तैयार है वो भी एक समझने वाली बात है। एक सर्वे के मुताबिक $2 अरब से ज्यादा का बिजनेस ऑनलाइन एजुकेशन का होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। भारत में तकरीबन 31% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है और आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2021 आते आते 73% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा होगी। जिस प्रकार से जो जियो आया इसके बाद तो सब लोगों के पास ये सुविधा हो गई है। तो जब इंटरनेट की सुविधा है अगर बच्चों के पास, तो आप उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से एजुकेशन दे सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। दोस्तों काफी लोगों को ये लगता है कि अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी से एजुकेशन होने लगेगा तो क्या होगा कि हमारी जो पारंपरिक शैक्षणिक व्यवस्था है, पारंपरिक शैक्षणिक व्यवस्था का मतलब ये है कि वर्ग खंड में हम जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे थे, ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। मगर मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत देश में, भारत जैसे इतने बड़े देश में ये सुविधा विलुप्त हो जाए ये असंभव बात है। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि क्लासरूम में वो अपनापन महसूस करते हैं, जब टीचर के साथ उसका एक हाव भाव होता है, एक मिलन होता है, दूसरी बात कि वो बच्चों के साथ बैठे हुए होता है, पढ़ता है और अपना जो भी हो पूछ सकता है, दूसरी बात कि एक नजदीकीपन वहां पर महसूस होता है।
टेक्नोलॉजी में ये नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी कमजोरी मैं कह सकता हूं। दूसरी बात कि क्लासरूम की जो व्यवस्था है उसमें बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि कनेक्ट रह सकते हैं, वो टीचर के साथ पूरे कनेक्ट होते हैं। अगर वो इधर उधर जाएंगे तो भी टीचर उनको कह सकता है भाई। ये सारी बातें क्लासरूम एजुकेशन में होती है कि इसीलिए हमारे यहाँ सबके पास न तो सुविधा है, न इंटरनेट है, न मोबाइल है, तो ये सारी सुविधा अगर बच्चों के पास नहीं होगी तो ये टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन देना वो इतना मैं समझता हूँ कि कठिन तो जरूर है। दूसरी बात कि हमारे भारत में ज्यादा शहरी लोगों में यानी कि शहरी जो विद्यार्थी है उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि मैंने एक सोर्स पेपर में पढ़ा था न्यूज़पेपर में, इसके अनुसार 28% लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट है और उसमें भी क्या है कि उनके पास जो सुविधा है वो बहुत कम है, वहां पर एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप बच्चों के साथ किस प्रकार से जुड़ पाएंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर भी ये समय की मजबूरी है, अगर आपको जुड़ना पड़ता है तो किस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते हैं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी के साथ सबसे सरल माध्यम अगर कोई है तो वो यूट्यूब है। यूट्यूब के माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने लेक्चर का वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपके बच्चों को भेज सकते हैं तो वो बच्चा जो है वो लिंक खोलकर वो पढ़ सकता या सुन सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक बात मुझे ये लगी कि जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि क्लासरूम में हम एक बार जो टीचर जो होते हैं या प्रोफेसर जो होते हैं वो एक बार जो बात बोल देते हैं वो दूसरी बार बच्चा जो है वो सुनना चाहता है तो वो नहीं आता है। YouTube में क्या है, YouTube में आप लेक्चर आपने रख दिया तो बच्चा बार बार सुनेगा और बार बार सुना हुआ बच्चे को याद भी रह सकता है। तो दूसरी तरफ ये भी है कि एक ही बात को वो बार बार सुन सकता है। और क्लासरूम में क्या होता है कि वो रेफरेंस जो है एक ही बात के रेफरेंस बदल जाते हैं, यानी कि नया नया उसको कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही बात को वो सुनता है, यानी कि रटने की पद्धति यहाँ पर लागू हो सकती है दोस्तों। तो YouTube के माध्यम से आप अपने बच्चों को लेक्चर के लिंक भेज सकते हैं, YouTube के माध्यम से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरा टूल्स, आप गूगल फॉर्म में यानी कि गूगल में आप क्रिएट गूगल फॉर्म में जाएंगे, गूगल फॉर्म आप क्रिएट करके किसी भी विषय का गूगल फॉर्म, क्विज का, क्वेश्चन का, किसी भी चीज का गूगल फॉर्म आप बना सकते हैं। उसमें आप जो भी प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं, उसमें फाइल अपलोड करने का ऑप्शन रख सकते हैं और वो फॉर्म की लिंक आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उस फॉर्म की लिंक में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं, उसमें नाम है या उसका क्लास है या रोल नंबर है या मोबाइल नंबर है, जो भी बेसिक आपको चाहिए एक भाग में। दूसरे भाग में आप क्वेश्चनरी रख सकते हैं या कि जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं। उसमें आप फाइल अपलोड करने का ऑप्शन रखेंगे तो बच्चा जो है वो उसका आंसर लिखकर उस फाइल में अपलोड करेगा तो आपके डेटा में वो फाइल आएगी, आप जब भी चाहे वो उसको देख सकते हैं। फिर ऑनलाइन क्विज का बहुत चलन चला है, अभी बहुत लोग जो है ऑनलाइन क्विज क्रिएट कर रहे हैं। तो भारत में मुझे ये लगता है कि जिस चीज के पीछे लोग पीछे पड़ जाते हैं उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इतने सारे क्विजें आ रही है, अब लोग भी कंफ्यूज है कि कौन सी करे कौन सी नहीं करे, तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे क्विजों की शुरुआत हो गई है, तो ऑनलाइन क्विज यानी कि जो है वो शॉर्ट आंसर आप उसको देने के लिए कह सकते हैं, उसमें भी आप कुछ क्वेश्चन रख के आप दे सकते हैं दोस्तों। तीसरा, ये गूगल फॉर्म की बात हुई। तीसरा, अगर आप जो है वो जूम एप्लीकेशन, वैसे ये विवादास्पद है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कंपलसरी यूज करें, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। जूम एप्लीकेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जूम एप्लीकेशन में आप बच्चों को एक साथ काफी बच्चों को जोड़ सकते हैं और उसमें आप लेक्चर ले सकते हैं। जूम एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसमें आपको मीटिंग आईडी क्रिएट करनी होती है। मीटिंग आईडी क्रिएट करेंगे उसके बाद आप जो है वो उसकी लिंक, उसका आईडी पासवर्ड बच्चों को भेजेंगे, बच्चा उसके साथ जुड़ जाएगा। आपको शेड्यूल तैयार करना होता है, उस शेड्यूल के अनुसार आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि घर बैठे ये लेक्चर आप
दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जूम एप्लीकेशन का। नेक्स्ट है गूगल मीट, ये सबसे भरोसेमंद मुझे लगता है कि सब लोग यूज कर रहे हैं। तो गूगल मीट नामक एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में से आपको ये गूगल मीट एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो भी जूम एप्लीकेशन की तरह ही होती है और बहुत सारे लोग एक साथ इस एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट में आप भी अपना लेक्चर दे सकते हैं और बच्चे उसको सुन सकते हैं। अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो लाइव आपको पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल जिस क्लासरूम को हम कह सकते हैं डिजिटल क्लासरूम, तो ये डिजिटल क्लासरूम इस प्रकार का बन सकता है, लाइव क्लासरूम ये बन सकता है। किंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि कितने बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि इसमें मैंने देखा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, फिर आयोजन की कमी होती है, या कभी कभार क्या होता है कि बच्चा जो पूछना चाहता है उसको साउंड या उसको सेटिंग का पता नहीं होता है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, किंतु शहरी छात्रों में ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही कम आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आने वाले हैं। तो ये गूगल मीट के द्वारा भी आप लेक्चर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वेबएक्स करके एक एप्लीकेशन है, वेबएक्स के माध्यम से भी आप इसमें लेक्चर ले सकते हैं, ये भी लाइव क्लासरूम आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जूम है, गूगल मीट है, वेबएक्स है, फिर नेक्स्ट बाकी काफी एप्लीकेशन तो है ही है, उसमें आप अपने लेक्चर ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सबके बस की बात है और इजी, सबसे इजी फेसबुक लाइव। अगर कोई प्रोफेसर फेसबुक लाइव करना चाहता है तो उसमें फेसबुक में फेसबुक लाइव का ऑप्शन होता है, उस फेसबुक लाइव को ऑन कर सकता है और अपना लेक्चर शुरू कर सकता है। तो बच्चों को कह सकता है कि मैं भी इतने बजे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ फेसबुक लाइव पे, बच्चे लाइव जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, सबसे इजी है। और बाकी के लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपको ये देख सकते हैं, तो उनको भी फायदा हो सकता है दोस्तों। तो ये फेसबुक लाइव जो है वो सबसे इजी है और काफी लोग इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। अब सेमिनार का शब्द जो है वो वेबिनार बन गया है टेक्नोलॉजी के युग में, और इतना चल पड़ा है ये वेबिनार शब्द कि काफी कॉलेज, काफी यूनिवर्सिटीज या बच्चों को इस वेबिनार के माध्यम से अच्छे अच्छे लेक्चर सुनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपना लेक्चर का वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटस में भी रख सकते हैं, साथ साथ फेसबुक स्टोरी में भी रख सकते हैं, तो वहां से भी बच्चा सुन सकता है। तो आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे कि मैं कह रहा हूं सोर्स जो है उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर के पास अगर सारी टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारी सुविधाएं है, अगर उसको अच्छे से सब कुछ आ रहा है, इंटरनेट में वो माहिर है, तो वो कुछ भी करके अपना लेक्चर जो है, अपना ज्ञान जो है वो बच्चों को बांट सकता है। साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है, ब्लॉग आप तैयार कर सकते हैं, तो ब्लॉग के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी भी कविता हो या कोई भी टॉपिक हो उसको आप ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉग में आप उसके बारे में लिख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चा भी सीख सकता है। किंतु मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो कनेक्शन होता है एक प्रोफेसर का और छात्र का, जो कनेक्शन होता है वो क्लासरूम में जो होता है वो वैसा का वैसा यहाँ पर नहीं रहता है। फिर भी समय की मजबूरी है, जिस प्रकार से धीरे धीरे गाइडलाइन से बन रही है, सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि 15 जुलाई से शायद स्कूल और कॉलेज शुरू होने वाली है। अगर हो सकती है तो उसमें क्या होगा, तो ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं सूत्रों के हवाले से कह रहा हूँ, मैंने न्यूज में देखा है, तो वहां पर उसमें बताया गया है कि बच्चों को वीक में 4 दिन इस प्रकार से क्लासरूम में और 2-3 दिन ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि आप ऐसा मान लेंगे कि लॉकडाउन के बाद या कॉलेज या शुरू हो जाएगी, इसके बाद ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन खत्म नहीं होने वाला है। ये आपकी जरूरत थी, किंतु ये जरूरत आपकी मजबूरी बन के आ गई है, तो आपको मजबूरी में भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये आज के समय की जरूरत है, ये आज के समय की जरूरत है और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हम जैसे कि बार बार कह रहे हैं कि समय के साथ चलो, समय के साथ चलो,
समय बदलता है, तो ये समय बदला है, समय के साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। शैक्षणिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जैसे कि आजकल तो सभी कॉलेज में वाईफाई भी सुविधा भी है। दूसरी बात कि आप जो अपना लेक्चर जो अपनी बात जो है वो कहीं दे सकते हैं या यूट्यूब पर या कहीं भी रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केवल आपके ही बच्चे नहीं, बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा, बहुत सारे बच्चे इसके पढ़ सकेंगे, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। किंतु जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गरीब और अमीर का फासला है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पारंपरिक शिक्षण और डिजिटल शिक्षण दो फासले होने वाले है। पारंपरिक शिक्षण में क्या होता है कि वहां पर सब लोग दे सकते हैं, और डिजिटल शिक्षण में क्या होगा कि यहाँ पर भी गरीब अमीर का फासला आपको देखने को मिलेगा कि जिसके पास सुविधा नहीं है वो क्या करेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट रिचार्ज करना होता है तो 250 रुपये कम से कम रिचार्ज होता है एक आध महीने का, और काफी छात्र फिर भी ये समय की जरूरत है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के साथ ग्रुप बनाकर जुड़ सकते हैं, इसमें आप अपना लिखा हुआ नोट्स जो है वो ग्रुप में भेज सकते हैं, बच्चा पढ़ सकता है। किंतु वास्तविक स्थितियों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, जो वास्तविक स्थितियां है, जिस प्रकार मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, गरीब और अमीर का भेद जो है, डिजिटल और पारंपरिक शिक्षण का जो भेद है वो मैंने आपको बताया, तो ये सारी बातें समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे।